इस वक्त तकरीबन शाम के 7 बजने को जा रहे हैं, लेकिन आईटीओ के पास जो पानी है जो सुबह से न्यूज चैनल पे चल रहा है आप देख सकते हैं, वो अभी जहाँ का ताही है। ये जो पानी है यहाँ पे अभी भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से खबर आई थी कि शाम के टाइम जो है जल फिर दोबारा ज़्यादा आगे बढ़ेगा और आगे कई और सड़कों तक भी जा सकता है। आईटीओ के पास ये बिल्कुल बगल की तस्वीर है, बगल में राजघाट में हमने पानी देख लिया है, बेल स्टेट में देख लिया है, हमने विजय घाट में देख लिया है, हमने यमुना पुश्ता पे देख लिया, हर जगह की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मेन जो आईटीओ के पास की तस्वीरें हैं जहाँ से गाड़ियाँ आना जाना, यहाँ से कनेक्टिंग हमारे दरियागंज, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, नई दिल्ली, सारा जो कनेक्टिंग इस एरिया में पड़ता है, तो यहाँ का जो पानी है अभी भी यहाँ पे कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। यहाँ अभी भी पानी उतना ही है, पता नहीं इसको अभी यहाँ से निकालने में कितना समय लगेगा, या फिर अभी पानी कम होता है या दोबारा बढ़ता है। अगर ये पानी दोबारा बढ़ता है तो धीरे धीरे आगे ये दिल्ली गेट की साइड भी शायद पहुँच सकता है। जैसे पहले आपको पता होगा कि कुछ समय, कुछ साल पहले जब दरियागंज तक ये पानी जाता था, जिसका नाम ही दरियागंज पड़ा था, उस टाइम पानी जाता था। कई सालों बाद आज ऐसा फिर एक बार देखने को मिलेगा कि दरियागंज एरिया तक अगर पानी पहुंच रहा होगा। आईटीओ के पास की तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं, दोनों साइड, चाहे फुटपाथ देख लीजिए, चाहे बस स्टॉप देख लीजिए, पानी में पूरा भरा पड़ा है। यहाँ से जो आवाजाही है बंद कर दी है। हालांकि हम कैसे न कैसे करके अपनी गाड़ी निकाले हैं एक यहाँ आने के लिए, न्यूज़ करने के लिए, वैसे यहाँ आना अभी अलाउ हो नहीं पा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग बताएंगे ज़रा कि ये जो पानी इस समय यहाँ पे आया है, और इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा यहाँ का, इसमें क्या मानते हैं आप, जो पानी आया है ये किसी की गलती है ही या किसी की गलती है? तो इसमें सभी भुगत रहे हैं। खजूरी देख लो, जमुना पार देख लो, लोहे का पुल जो इस टाइम जो पहले हम देखा करते थे पूरा ऊपर था, और वो पूरा डूबा पूरा है हम लोग। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारों को कोई ना कोई व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए राजधानी दिल्ली क्यों नहीं तैयार है? राजधानी दिल्ली को तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की। किस सरकार की? यही जो वोट ले रहे हैं, चल रही है केजरीवाल सरकार की। और क्या? मेरा एक मुद्दा है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ दिल्ली है, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, लेकिन दिल्ली एक राजधानी है, और राजधानी में इस तरह का मंजिल जब आता है तो क्या हमारी सरकारें तभी जागती जब आपत्ति आती है? अब देखो, आदमी कहते होता है दिल्ली कहता है, दिल्ली किसको कहता है? राजधानी दिल्ली को दिल्ली कहता है, दिल वाले का होता है। यहाँ तो दिल वाले का है ही नहीं, दिल्ली तो पूरा जल भरा पड़ा हुआ है, ये होता है दिल्ली दिल वाले का। अगर थोड़ा सा पानी आया, बारिश आई, बारिश में इतना हाल हुआ था, तो ये तो अभी यमुना का पानी है, तो और ऊपर आएगा ही। अभी तो और जनसंख्या बढ़ने का था, अभी देखो कुछ देर पहले वहीं तक पानी था, अभी यहाँ बढ़ गया, 2 फुट आगे आ गया, कह रहा है पानी घट रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पानी तो बढ़ ही रहा है अभी, कहाँ बैठा हुआ सरकार, कह रहा है दिल्ली को हमने, केजरीवाल कह रहा है दिल्ली को हमने चमका दिए, बड़े बड़े ये बना दिए दिल्ली में क्या बन गया, ये जल बन गया। नहीं, अभी तो हम मानते हैं, चलो जी यमुना का पानी आया, लेकिन हमारा एक सवाल था कि हर राज्य में हर सरकार का एक दायित्व बनता है कि अपने अपने राज्य के लिए काम करना। अगर हर सरकार ने थोड़ा थोड़ा व्यवस्थाएं बनाई होती तो शायद दिल्ली को ये हाल नहीं देखना पड़ता। अब देखो, ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करता है। जिस तरह से पानी बहा इस समय, जब बारिश आई, सड़कों में पानी रहा, तो सड़कों में पानी आने की वजह से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार को पहले रेडी होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले से ही जमना थी बादशाही टाइम से, वो इसको वो करके सड़क और फ्लैट बना दिए, घर वो बना दिया, प्लॉट काट के, नहीं तो ये तो जमना आगरे तक मिली हुई थी ओखले से। यहाँ पहले जमना बहती थी? हाँ, जमना है, जमना एक इलाका है, सारा जमना थी सारी बादशाही टाइम में, उसको बंद करके बाद में ये वो बना दिया सड़कें और ये पुल और फ्लैट और कोठी और घर, वरना ये तो जमना थी। दिल्ली सरकार कहती है कि हम किसी कार्य के लिए, चाहे आप इस समय बारिश के समय करें, चाहे आप कोविड में आप टीकाकरण की बात करें, चाहे प्रवासी मजदूर को बात घर भेजने की बात करें, या फिर ऑक्सीजन की बात करें, कभी भी दिल्ली सरकार, चाहे कोई भी सरकार दिल्ली में हो, वो तैयार होती नहीं है। कहते हम तैयार ही नहीं थे, केजरीवाल जी का साफ कहना है कि हम तैयार नहीं थे। अबे, ये तो अचानक कुदरत का वो है, हिसाब हो गया, पानी ज्यादा आ गया, तो नहीं तो वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। नहीं, पानी इस समय यमुना का माना जाएगा, लेकिन जब बारिश की वजह से जो पानी सड़कों पे आया था उसका, लेकिन असल तो ये जमुना थी, जमुना बन गई फिर दोबारा बन गई। नहीं, जब केजरीवाल जी कहते हैं कि हम इस काम के लिए तैयार हैं, मानते आज पानी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, जब कोविड में यहाँ पे दिल्ली में, उस टाइम भी तैयार नहीं थे।
हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसा होना चाहिए सरकार को कि कभी तैयारी ना हो? भाई तैयार को सरकार कहाँ तक तैयारी करे, सरकार की भी क्या गलती है। ये तो बोलवे किया कि हमने दिल्ली को गार्डन बनाएंगे, बोला नहीं से पहले न्यूज पे सरकार ने खुद लाइव आके केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली में हमने बड़े बड़े गार्डन बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, गार्डन बना दिया। सर दिल्ली में आप सबसे पहले बताइए, क्या किसी का गार्डन बनाना, झील बनाना जरूरी है या किसी बेघर व्यक्ति को घर देना जरूरी है? देखो घर भी सबको जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। जैसे कि अब हम मजदूर क्लास के आदमी हैं, अब हमारे पास रोजगार नहीं है।